केजरीवाल पंजाब गए थे और अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी मुद्दे पर उन पर हमलावर हैं। पंजाब के मोगा में रविवार को की गई किसान महापंचायत की भीड़ से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गदगद हो गए। लेकिन देखिए, भीड़ में तो मास्क छोड़िए, मंच पर भी कई नेता बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अब इसी लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर हमला बोला है। केजरीवाल की महापंचायत में बिना मास्क की भीड़ से साफ है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाती है, उन्हें पंजाब के लोगों की कितनी परवाह है। पंजाब कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में शामिल है। पंजाब में रोजाना 2000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाना पड़ा है। ऐसे में सावधानी तो जरूरी है, लेकिन केजरीवाल पर ताज़ा हमला कोरोना की चिंता के साथ साथ सियासत की चिंता भी बता रहा है। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।